हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी इंटरव्यू से संबंधित हमारी इस खास सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर आप भी चिंतित हैं कि एक अच्छा इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन कैसे देना है तो ये वीडियो आपके काम का है। देखिए, इंट्रोडक्शन देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें। कौन कौन से पॉइंट कवर करने चाहिए इनको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका पूरा नाम आएगा, उसके बाद आप कहाँ से हैं ये आएगा, जिसमें आप अपना गांव, अपना तहसील, साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। इसके बाद आपका स्कूलिंग कहां से हुआ है ये आप बताएंगे, और उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन कहां से हुआ है, किस यूनिवर्सिटी से हुआ है ये आप बताएंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का नंबर उसके बाद आएगा। ध्यान रहे, वर्क एक्सपीरियंस में चार चीज़ें कवर करें। आप काम कहाँ करते थे या कर रहे हैं, आपने ज्वाइन कब किया, और इस वक्त आप कौन से पद पर हैं, और अगर आपने रेजिग्नेशन दिया है तो आपने रेजिग्नेशन कब दिया। ठीक है, ये चार चीज़ें कवर होंगी। इसके बाद आप चाहें तो अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। ध्यान रहे, एक या दो हॉबीज काफ़ी होती है, सवाल कम आएंगे फिर इन दैट केस। उसके साथ ही साथ आप चाहें तो अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं, और लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि सीजीपीएससी में आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, और उसके साथ आपको ये मौका मिला इसका आप एक धन्यवाद भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन जो है ये 30 से 40 सेकंड का एक शानदार इंट्रोडक्शन बन सकता है। अब मैं आपको इसका एक डेमो करके बताता हूँ। हो सकता है मेरा डेमो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप इसमें से जो चीज़ें कट करना चाहें वो कट कर सकते हैं। और ये जो डेमो है ये मैं मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक पल के लिए मान लीजिए कि मैं कैंडिडेट हूँ और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से दूंगा। पैनल के सामने पहले ही मेरा बायोडाटा मौजूद है, तो पैनल मेरा नाम लेकर मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए कह सकता है। हेलो मिस्टर निखिल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो सर, माय नेम इज निखिल डांगे, आई एम फ्रॉम रायपुर। आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम महर्षि विद्या मंदिर स्कूल, विच इज अ सीबीएसई पैटर्न स्कूल। देन आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी इन मैकेनिकल ब्रांच। I take pride to share that I was one of the very good performer during my engineering, especially in 7th and 8th semester. I got placed in 3 campus placements. By the way sir, I have also done my masters in business administration. My specialization was manufacturing and operations management. I did it from a very reputed college in Pune. By the way, I am having 5 years of industrial experience. I worked in 2 multinational companies. One was MRF Tire and another one was Goodyear Tires. I am a light-hearted person. I appreciate all colors of my life. I belong to a small nuclear family. We are just 3 members in our family. I am the youngest one. From last 2 years I am consistently preparing for CGPSC, so this is my second attempt and I'm really very excited about it. So that's all about me sir, in case if you would like to know more I shall be glad to answer. इस तरीके से आप चाहें तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके को ही सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या कैसे देना चाहिए इंट्रोडक्शन, तो शायद ये तरीका आपके काम आ सकता है। इसी तरह की यूजफुल टिप्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू के लिए चाहें तो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।